हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक पर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या होता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IMF कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम SDR के बारे में जानेंगे और IMF के बारे में जानेंगे। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं कि IMF क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और यह क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्या होती है, संस्था होती है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक तथा आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। अब क्या कर रखा है कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, एक अपने सदस्य बनाए हुए हैं जो इसके अंतर्गत सदस्य देश हैं, उनके अंतर्गत क्या करती है, उनकी आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है। और क्या करती है, जो उसके सदस्य देश हैं उन देशों की आर्थिक तथा तकनीकी में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यदि वो सदस्य देश किसी आर्थिक तथा सहायता, उनको तकनीकी की आवश्यकता है, तो उसमें भी सहायता प्रदान कर सकती है ताकि वह इकोनॉमी के लिए प्रॉफिट हो सके। और यह क्या होता है, यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की स्थिरता को भी बनाए रखने के साथ क्या होता है कि इंटरनेशनल विनिमय दर को बनाए रखना क्या होता है, आवश्यक होता है ताकि इकोनॉमी पर ज़्यादा उतार चढ़ाव न देख सके और उसको इकोनॉमी को बैलेंस में लाना भी जरूरी होता है। इसमें भी IMF का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए दोस्तों, आज हमने इसमें तो केवल बेसिक रूप्स के इसकी डेफिनेशन जानी, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि इसका गठन कहाँ हुआ था और इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन पर हुई थी, ब्रिटेन वुड सम्मेलन पर इसकी स्थापना हुई थी। और वह कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC पे हुआ था, जो किसकी कैपिटल है, अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन DC पर। उस दिन क्या निर्णय लिया गया कि 27 दिसंबर 1945 ईस्वी पे एक सेमिनार आयोजन किया गया था, उस आयोजन पे इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इन्होंने ऑफिशियली रूप से अपना कार्य कब करना शुरू किया, 2 साल बाद 1947 ईस्वी में 1 मार्च को इन्होंने अपना क्या किया, अपना कार्य करना प्रारंभ किया। कब से कार्य करना प्रारंभ किया, इन्होंने अपना कार्य 1 मार्च 1947 में करना प्रारंभ किया। अगर इनके सदस्य देशों की बात करें तो वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं, 195 कंट्री हैं, जिसके अंतर्गत कितने हैं, लगभग 189 कंट्री क्या हैं, इसके सदस्य देश हैं। कितने कंट्री हैं, 189 इसके सदस्य देश हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 189वां कंट्री कौन है, तो नौरू गणराज्य जो था वो 12 अप्रैल 2016 को क्या बना, IMF का 189वां देश बना। हमने इस पे जाना कि इसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया और इसकी स्थापना कब की गई और इन्होंने अपना ऑफिशियली कार्य करना कब से प्रारंभ किया और इसमें कितने सदस्य देश हैं। अब इनके उद्देश्य की बात करते हैं कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर IMF की मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जो उसके सदस्य देश हैं, सदस्य देश कितने हैं, 189 सभी कंट्रीज़ के सदस्य देश हैं, तो इनके अंतर्गत मुख्य रूप से इसका काम होता है कि वो आर्थिक स्थिति की सुरक्षा करे और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का काम करता है। किनका करता है, जो इसके सदस्य देश होते हैं, और गरीब उन देशों की गरीबी का को क्या करना, कम करना तथा रोज़गार को बढ़ावा देना। उस देश में क्या है, जहाँ पर रोज़गार कम है, जो IMF के देश हैं, वहाँ पर क्या करना, रोज़गार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या करना, सुविधाजनक बनाना। अब ये होता है कि अलग अलग देशों के अलग अलग ट्रेड चलते हैं, अलग अलग चीज़ों की को क्या किया जाता है, एक दूसरे देशों पर इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर व्यापार को सुगमता बनाने में भी क्या होता है, IMF का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसके साथ साथ ही क्या होता है, अब देखिए कि जैसे जैसे IMF फिर कंट्री बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इन देशों पर भी, इस IMF पर भी क्या होता है, लोड बढ़ने लग जाता है। और ये अपने किस प्रकार से, अब हम आगे यह जानेंगे कि यह अपने बोर्ड का गठन कैसे करते हैं। अगर इसमें मुख्य रूप से बात करें तो जो इसमें गठन किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता था, सबसे पहले आवेदन IMF के कार्यपालक जो बोर्ड होता था उसको क्या करना पड़ता था, एक भेजना पड़ता था जिस देश को उस IMF का सदस्य देश बनना होता था। उसके बाद क्या करना पड़ता था, कार्यकारी बोर्ड ऑफ
कार्यकारी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को उचित संस्तुति के लिए क्या करना पड़ता था, भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि आगे जो बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस होता था उसके पास क्या किसके लिए भेज देते थे, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन की संस्तुति जो भी है वेरिफिकेशन करना है उसके लिए भेज दिया जाता था। फिर वह क्या करता था, उसको स्वीकृति देता है था, फिर क्या है सदस्यता मिल जाती है थी, और क्या होता था सदस्यता मिल जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें समय बढ़ता गया और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में परिवर्तन कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे से बारे में जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से नियंत्रण तथा प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो इसमें मैं IMF के अंतर्गत क्या होता है, बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस निहित होता है। अब हम यह जानेंगे कि बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस की नियुक्ति कैसे की जाती है। वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्री इसमें कितने हैं, 189 कंट्री इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो प्रत्येक देश एक गवर्नर को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो टोटल कितने गवर्नर हो गए, 189 गवर्नर मनोनीत हो गए, और यही गवर्नर सभी मिलकर क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अगर कोई देश अपने देश के गवर्नर का गठन करता है तो और उसके साथ ही एक वैकल्पिक गवर्नर को भी क्या करता है, नियुक्त करता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि अगर गवर्नर को किसी कारणवश उस सेमिनार या उनके कोई वोट का अधिकार है उस समय उपलब्ध नहीं है तो गवर्नेंस की अनुपस्थिति में क्या कर सकता है, वैकल्पिक गवर्नर क्या जाकर अपने वोट का प्रयोग कर सकता है और अपने मताधिकार का वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। इसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो कोटे के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है कि उनको किस आधार पर मतदान करना है। अब हम आगे यह भी जानेंगे कि कोटा क्या होता है, SDR क्या होता है, और प्रत्येक सदस्य देशों को किस प्रकार वोट देने का अधिकार होता है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो जब प्रत्येक देश में गवर्नर का गठन किया जाता है तो क्या होता है, उसको 250 मत मिल जाते हैं। कितना मत मिलता है, जब वह गवर्नर गठित हो जाता है किसी देश में IMF के लिए तो क्या हो जाता है, उसको 250 मत मिल जाते हैं। कब मिलेगा, जब वह IMF पर वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वह यह IMF का देश है और यह इसके अंतर्गत उस देश का गवर्नर है और इसको अब हम 250 मत दे देते हैं। और उसके अतिरिक्त क्या करता है, 1,00,000 SDR पर उस कोटे का एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार भी होता है। अगर वह देश अमीर कंट्री के अंतर्गत आता है तो वह SDR का प्रयोग करके अपने वोट का भी प्रयोग कर सकता है। इसलिए IMF के अंतर्गत कहा गया है कि अधिक धनी एवं औद्योगिक जो देश होते हैं इनमें क्या होता है, वह अधिक मात्रा में अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं और इनका ही बोलबाला अधिक दिखता है। लेकिन हम आगे यह भी जानेंगे कि इस SDR पर भी अंकुश लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि विश्व पर जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और बड़े ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, तो इनके पास करेंसी अत्यधिक मात्रा में रहती है, तो ये अपने वोट का प्रयोग SDR खरीदने पे SDR पे यूज़ करेंगे। इसलिए क्या किया गया है, इस पर भी IMF ने अंकुश लगाया। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे जानेंगे। अगर इनके मीटिंग की बात करें तो प्रतिवर्ष सितंबर तथा अक्टूबर में बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस की मीटिंग होती है तथा इनमें सभी जो भी इनकी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि हमने आगे जाना कि इनके जो भी उद्देश्य होते हैं इन उद्देश्यों पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है तथा उस पर आगे का निर्णय लिया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से अगर इनके वोट की बात करें तो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान हमने क्या कहा, 250 वोट तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रॉफिट लेने के लिए कोटे का सभी देश क्या चाहते हैं कि वह कोटे का उपयोग करें, SDR का उपयोग करें। अब हम यह जानेंगे कि SDR और तथा कोटे का यूज़ किस प्रकार से किया जाता था। अगर 1971 की बात करें तो IMF में जो समस्त जो देश थे वो सभी करेंसियों का क्या यूज़ किया जाता था, डॉलर का यूज़ किया जाता था। लेकिन 1971 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समस्त लेन देन किस में किया जाने लगा, SDR के रूप में किया जाने लगा। इसका मुख्य रूप से कारण क्या है, अगर बात करें तो 1971 में SDR का मूल्य कितना था, एक SDR अगर 1971 की बात करें तो इस समय क्या था, $1 किसके बराबर था, एक SDR के बराबर था। इसमें उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लेकिन क्या होने लगा,
अगर बात करें तो लगभग 12 जनवरी 2017 के आसपास एक SDR का मूल्य कितना हो गया? 1.3 डॉलर हो गया। कितना अंतर हो गया? लगभग 0.3 का अंतर हो गया। अब आप जान सकते हैं कि इससे पहले भी SDR में उतार चढ़ाव दिखाई देता होगा, जिसके कारण इन्होंने निर्णय लिया कि जो SDR का मूल्य है, और अगर वर्तमान समय में बात करें तो इसका SDR का मूल्य कितना है? 1.5 डॉलर इतना हो गया है। 1 SDR = 1.5 डॉलर इतना हो चुका है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो इस प्रकार की उतार चढ़ाव देखी गई, तो जो उस समय पर 1981 ईस्वी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिया 1 जनवरी के आसपास, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो सबसे बड़े निर्यातक सदस्य देश हैं, हम उन देशों की करेंसियों से निर्धारित करेंगे कि हमें उनकी कितनी करेंसी का कितना % लेना है। और उनमें मुख्य रूप से उस समय कितना लिया गया, US डॉलर, यूरो तथा पौंड स्टर्लिंग के आधार पर निर्धारित किया। अब हम आगे जानेंगे कि इन करेंसियों का कितना % उस समय पर लिया गया। चलिए हम आगे देखते हैं कि उन करेंसी कौन कौन सी हैं और उनका कितना % लिया गया। अगर सबसे पहले बात करें तो US डॉलर का कितना % लिया गया? 41.73% लिया गया, जो SDR पर कितना है? 0.58 इतना ले लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी करेंसी यूरो। यूरो का कितना % लिया गया? 30.93% लिया गया, जो SDR में कितना है? 0.38% हो गया। फिर चाइना का हो गया, चाइना का कितना है? 10.92%। और अगर SDR में बात करें तो 1.01 इतना हो गया। फिर उसके बाद होगी जापान, जापान की करेंसी कितनी होगी? एन होगी, और इसका कितना % लिया गया? 8.33% लिया गया। अगर SDR की बात करें तो 11.9 इसका लिया गया। अगर US की पौंड स्टर्लिंग की बात करें तो क्या हो गया? 8.09% हो गया, और इसमें SDR की बात करें तो इसमें कितना हो गया? 0.85 इतना इसका क्या हो गया? SDR का हो गया। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एग्ज़ाम पे एक क्वेश्चन हमें यह दिखाई देता है कि इसमें जो सबसे लास्ट में देश बना था, चाइना बना था, और वह कब बना? 1 अक्टूबर 2016 को क्या हो गया? चाइना की जो करेंसी है रेनमेनबी को क्या दिया गया? औपचारिक रूप से इस बास्केट का हिस्सा बनाया गया। इसको क्या कहा जाता है? एक बास्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्केट, जैसे बास्केट टोकरी होती है, इसके अंदर सारे समूह डाले जाते हैं, वही क्या होगी? सारे कंट्रियों की करेंसी, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी को डाल दिया, और इसके क्या नाम दे दिया? बास्केट नाम भी दिया गया। और इसमें हमने यह भी जाना कि कौन कौन सी करेंसी सम्मिलित है। लेकिन अब आगे हम यह देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से प्रत्येक देश, जो भी टॉप देश हैं, उनके अंतर्गत उनकी करेंसी का कितना % अभी IMF के अंतर्गत लिया जा रहा है। अगर कोटे की बात करें तो कोटे में सबसे पहले कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका कितना % लिया जा रहा है? 17.46% लिया जा रहा है। सेकेंड कंट्री कौन सा है? जापान, जापान का कितना % है? 6.4%। उसके बाद थर्ड कंट्री कौन सी है? चीन, उसका कितना है? 6.4%। फोर्थ नंबर पर हो गया जर्मनी, जिसका कितना है? 5.6%। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रांस, फ्रांस का कितना है? 4.24%। उसके बाद बात करते हैं यूके, यूके का कितना है? 4.24%। फिर उसके बाद बात करते हैं इटली, इटली का कितना है? इटली की बात करें तो कितना हो गया इसका? 3.17% इतना % इसका कोटा हो गया। अगर भारत कहें तो भारत का तो ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, हमने इसमें कितने लिए हैं? टॉप 11 कंट्रीज़ को लिया गया है। 2 फरवरी 2017 का पुराना डाटा है, और भारत का नंबर कितना है? 8वें नंबर पर है, और भारत के कोटे में कितना % हिस्सा है? 2.76% हिस्सा है। अगर SDR की बात करें तो कितना है? 15,000 के आसपास के है इसका, मिलियन पे इतना, मिलियन कितना है SDR पे इसका हिस्सा है, सॉरी इसका कितना है भारत का? 13 मिलियन। ये कितना था? 15,000 तो मिलियन SDR तो किसका है? इटली का है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर की बात करें तो रूस का हो गया, रूस का कितना हिस्सा हो गया? 2.71% हो गया। अगर कोटे की बात करें तो 12,000 मिलियन इतना क्या है? SDR इसका हिस्सा हो गया। और 10 नंबर की कंट्री कौन सी है? कनाडा, इसका हिस्सा कितना है? 2.32% हो गया। उसके बाद 11 नंबर की कंट्री कौन सी है? सऊदी अरब, सऊदी अरब का कितना हो गया? 2.1
1.0%। अगर मुख्य रूप से बात करें तो अब इस कोटे के अंतर्गत भी एक प्रोसेस होती है कि उस देश को FTP का क्या होना चाहिए, FTP के आधार पर ही उस देशों को क्या होता है, कोटा देने का भी अधिकार होता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो देश FTA के अंतर्गत होता है, अब हम जानते हैं कि FTA होता क्या है। अगर भारत की बात करें तो मुख्य रूप से FTA का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान, जिसके आधार पर क्या होता है, दूसरे देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान के अंतर्गत ऐसे देशों को चुना जाता है। अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान FTP के अंतर्गत ऐसे देशों को ही चुना जाता है जिस देश की क्या होती है, फॉरेन करेंसी बहुत अधिक मात्रा में होती है और जिसका क्या होता है, भुगतान संतुलन काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है और जिसके अंतर्गत हमने यह भी जाना कि विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक होता है, ताकि उसको क्या कर सके, आपातकालीन स्थिति में दूसरे देशों की सहायता प्रदान कर सके, तथा IMF को अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह उसको भी इसी रूप से सॉल्व कर सके। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि अगर हमने पहले जाना कि प्रत्येक देश को क्या मिलता है, कोटा मिलता है, और उसी कोटे में कितना होता है, 1 लाख SDR पर क्या होता है, एक वोट का अतिरिक्त अधिकार होता है। क्या होता है, एक अतिरिक्त अधिकार होता है। 250 वोट तो सभी कंट्री को समान रूप से लिया जाता है, लेकिन जो अमीर कंट्री हैं, ज़्यादा विकसित देश हैं और विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, वो देश क्या करेंगे, उनके पास ज़्यादा करेंसी तथा ज़्यादा SDR का यूज़ करेंगे। लेकिन IMF ने इसमें भी क्या किया है, इस पर भी अपना अंकुश लगाया है। अब हम देखेंगे कि वो अंकुश कैसे लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी देश का क्या होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पादन का 50% होना चाहिए, और वो तभी क्या कर सकता है, IMF को यूज़ कर सकता है और IMF को बढ़ा सकता है। और अगर अर्थव्यवस्था का खुलापन, अगर अर्थव्यवस्था के खुलापन की बात करें तो कितना परसेंट होना चाहिए, 30% होना चाहिए। और थर्ड की बात करें तो आर्थिक परिवर्तनशीलता की बात करें तो इसमें कितना परसेंट होना चाहिए, 15% होना चाहिए। अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। और सकल घरेलू उत्पादन की मापन की बात करें तो बाजार विनिमय दर के आधार पर कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तथा इसी बाजार विनिमय दर के आधार पर वाराणसी भी कितना होना चाहिए, 40% होने चाहिए। इसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत जो भी मतलब सदस्य देश हैं, उनके भुगतान संतुलनों को ठीक करने के लिए ही लगभग 1963 के आसपास से ही अनेक जो भी वित्तीय सुविधा स्थापित या एजेंसियों को बनाना शुरू किया था। लेकिन अगर आधुनिक रूप से बात करें तो इसमें नया, सबसे नया कौन सा बना, 1986 पर बना, जिसका नाम क्या था, SAF। क्या बना, क्या नाम था इसका, SAF, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या हो गया, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो गया, संरचनात्मक व्यवस्था सुरक्षा, संरचनात्मक व्यवस्था सुरक्षा बनाया गया, ताकि वह क्या कर सके, भुगतान संतुलन इसके अंतर्गत जो भुगतान संतुलन को क्या कर सके, ठीक कर सके। इसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से आज यह जाना कि IMF क्या होता है, SDR क्या होता है, और यह किस प्रकार से कार्य करती है, और यह किस, और इसमें कितने सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना कब हुई, और मुख्य रूप से इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया।